हेलो, डाटा वेयरहाउस एंड डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा माइनिंग। देन वी विल ऑल्सो सी व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ डाटा माइनिंग, नीड ऑफ डाटा माइनिंग। सो डाटा माइनिंग होती क्या है? डाटा माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग और माइनिंग द नॉलेज फ्रॉम ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो बहुत ज़्यादा डेटा में से कोई नॉलेज को डिस्कवर करना या उसको माइन करना वो कहलाता है डाटा माइनिंग। ठीक है, सो अगर आप क्या सपोज बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेट अस से थाउजेंड्स ऑफ GB ऑफ डेटा है, 1 TB डेटा है, और आप इस डेटा में से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस को या आपके प्रोसेस को बेटर बनाएगी, तो हम कहेंगे कि आपने डाटा माइनिंग करके एक लार्ज डाटा बेस में से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाली, यूज़फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन की, और उससे कुछ नॉलेज को गेन करके आपने अपने बिजनेस प्रोसेस को बेटर बनाया। सो अनदर टर्म फॉर डाटा माइनिंग इज, अब देखो डाटा माइनिंग में हो क्या रहा है, डाटा बेस में से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और फाइनली उससे आप नॉलेज को माइन कर रहे हो, ठीक है ना। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KDD। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। डेटा में से नॉलेज को डिस्कवर करना। सो ये एक और टर्म है जो यूज होती है डाटा माइनिंग के लिए। ठीक है, सो इसकी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आप इसमें ये भी बोल सकते हो दैट इट अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट हिडन पैटर्न्स फ्रॉम एंड ट्रेंड्स फ्रॉम लार्ज डेटाबेस। सो इट अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट हिडन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स फ्रॉम लार्ज डेटाबेसेस, मतलब कि जो पैटर्न्स हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहे एज सच डेटाबेस में से, अगर उनको ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो हम कहते हैं वो डाटा माइनिंग है। नाउ इट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑटोमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा। सो ये एक और चीज़ है इसके बारे में। सो अगर हम डाटा माइनिंग को और भी ज़्यादा डिफाइन करें तो हम बेसिकली इसमें लिख सकते हैं तीन चीज़ें। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीड ऑफ डाटा माइनिंग में, जैसे वन इज़ फाइंडिंग हिडन इन्फॉर्मेशन इन द डाटाबेस, डेटाबेस में से हिडन इन्फॉर्मेशन को निकालना। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। डेटा ड्रिवन एंड डिडक्टिव लर्निंग, इसका मतलब है हम कुछ डिड्यूस कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, देन थर्ड डेफिनेशन कैन बी एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेना जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। सो एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। सो ये तीन और डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सो यू कैन कॉल्ड इट एज ऑल एज द डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा माइनिंग, डाटा माइनिंग की नीड क्यों है। सो आप डाटा माइनिंग की नीड का अगर क्वेश्चन आता तो पहले आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, देन यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ डेटा माइनिंग। सो एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि इट इज़ यूज टू फाइंड दी हिडन इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल नॉलेज। तो बाकी अब देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में नीड क्या है। सो अब देखो नीड किससे आती है, नीड कम्स फ्रॉम इवोल्यूशन इन डेटाबेस और इन साइज ऑफ डेटाबेस। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है, डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो रहा है एंड इट इज़ बिकमिंग अप टू द साइज वी कॉल इट एज द बिग डेटा, या आप कह सकते हो ह्यूज डेटा, टीबीज ऑफ डेटा होता है जिसको मैनुअल हम
एनालाइज नहीं कर सकते. सो मैनुअल एनालिसिस नहीं हो सकती इन टुडेज टाइम जहाँ पे डेटाबेस आपका बहुत बड़ा हो गया है. सो देर इज़ अ नीड ऑफ ऑटोमेटिक डाटा एनालिसिस. सो देर इज़ अ नीड ऑफ ऑटोमेटिक डाटा एनालिसिस और उसके लिए डेटा माइनिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है. सो विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द डेटा बेस मैनुअल एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. सो वी नीड ऑटोमेटिक एनालिसिस एंड हैंस कम्स द नीड ऑफ डेटा माइनिंग. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग. देन वट इज द नीड ऑफ डेटा माइनिंग. नाउ वी विल सी द इवोल्यूशन ऑफ डेटा माइनिंग. सो जो डेटा माइनिंग की टर्म है इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था डेट वॉज इन 1990s. अब वेरियस डाटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, मतलब कि जो डाटा माइनिंग की टेक्निक है वो इन तीनों से ट्रेस बैक होती है, इन तीनों से मिलके बनती है. तो सबसे पहले तो है स्टेटिस्टिक्स. अब स्टेटिस्टिक्स आपका क्या क्या कवर करती है? बेसिकली स्टेटिस्टिक्स कवर्स रिग्रेशन एनालिसिस, बेसिकली मैथमेटिक्स है. इट कवर्स रिग्रेशन एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, स्टैंडर्ड डिविएशंस एटसेट्रा. ठीक है. सो अब ये जितने भी हमारे स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टेटिस्टिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, दे लेदी फाउंडेशन ऑफ डेटा माइनिंग. मतलब दे आर दी फाउंडेशन ऑफ डेटा माइनिंग. इन सब के ऊपर ही मिलके डेटा माइनिंग बना हुआ है, ले दी फाउंडेशन ऑफ डेटा माइनिंग. तो अगर आप कहते हो कि आपको आगे चल के डाटा माइनिंग का एक्सपर्ट बनना है सो यू हैव टू बी वेरी गुड इन स्टेटिस्टिक्स. ठीक है. उसके बाद बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था कि डाटा आपका बहुत बड़ा हो रहा था तो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कुछ ह्यूमन थिंकिंग डालने की कोशिश की गई. सो इट इज़ अप्लाइंग ऑफ ह्यूमन थॉट लाइक प्रोसेसिंग कि एक चीज़ को देख के एक ह्यूमन किस तरह से सोचता है उसके बारे में और किस तरह से उससे लर्न करता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI. ठीक है. सो AI कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डेटा माइनिंग के अंदर. देन कम्स द मशीन लर्निंग विच इज़ एन यूनियन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड AI. इन दोनों का यूनियन है बेसिकली. सो मशीन लर्निंग क्या था? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू लेट द सॉफ्टवेयर लर्न एंड अबाउट द डेटा. ठीक है. सो मशीन लर्निंग से क्या किया गया? इट इज़ अबाउट लर्निंग ऑफ द सॉफ्टवेयर और लर्निंग बाय द सॉफ्टवेयर अबाउट द डेटा. कि मशीन लर्निंग में क्या था कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो या जो एल्गोरिथम्स आप बना रहे हो वो डेटा से लर्न कर रहे हैं और आगे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन डाटा माइनिंग. बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देखा क्या होती डाटा माइनिंग, नीड ऑफ डाटा माइनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डेटा माइनिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.